नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप तक। आज के टॉप हेडलाइंस हैं: पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 39 लोगों की मौत, कराची पर सबसे ज्यादा असर। चीन में स्कूलों को पूरी तरह खोलने की तैयारी, नेपाल में कोरोना के 927 नए मामले। रिश्तों में नई उड़ान, इजराइल ने यूएई के पहली कमर्शियल फ्लाइट पर लगाई मुहर। टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तानी अदालत ने हाफिज सईद के 3 सहयोगियों को सजा सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिर से चुनाव जीता तो अमेरिका चांद पर भेजेगा पहली महिला। लैग पर तनाव के बीच संगठनात्मक तैयारी पुख्ता करने में जुटी आईटीबीपी, जल्द होगी 2 एडीजी की नियुक्ति। ममता ने केंद्र पर साधा निशाना, बोली 2021 के चुनाव में भाजपा के राजनीतिक महामारी को हराना है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में सीबीआई जांच को 8वां दिन, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ से लेकर गोवा के कारोबारी के तलब तक। अगले महीने से टोल प्लाजा पर अधिक जेब डीली करनी होगी, टोल दरें 8% बढ़ेंगी। नोटबंदी, जीएसटी और विफल लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, राहुल गांधी। बेगूसराय में दिन दहाड़े 1 करोड़ से अधिक का सोना लूटा, ताबड़तोड़ फायरिंग से थराया बाजार। बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में बन रहा कोरोना बचाव टीम। पटना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 के पार, पीएमसीएच में 2 की मौत। तेज प्रताप यादव के खिलाफ झारखंड में एफआईआर, आरजेडी सुप्रीमो लालू से मिलने गए थे रांची। तेजस्वी यादव की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव, श्याम रजक संघ नेता प्रतिपक्ष पहुंचे आरजेडी कार्यालय। बिहार चुनाव आरजेडी और लेफ्ट पार्टी के बीच बन गई बात, तो एक मंच पर दिखेंगे कन्हैया तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस बोली पहले से अधिक सीटों पर लड़ेगी पार्टी, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बिहार में शराबबंदी के नाम पर रिश्वतखोरी, दरोगा ने शराब सप्लायर से मांगे 1,00,000 रुपए, ऑडियो वायरल। कटिहार के डीएस कॉलेज में रंगदारी नहीं देने पर छात्र के साथ मारपीट करने का वीडियो हुआ वायरल, मामला थाना में हुआ दर्ज। शहर में मुहर्रम को पर्व को लेकर नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। मोंगड़ा गांव में रास्ते पर बंधी गाय को हटाने को लेकर 13 वर्षीय बच्ची की महिलाओं ने की पिटाई, घायल बच्ची का इलाज जारी। जिले में मास्क को लेकर चलाया गया अभियान रहा सफल, जिलाधिकारी ने कहा लोगों से वसूला गया 12.50 लाख का जुर्माना। मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिए नगर निगम कार्यालय में 45 वार्डों में जल नल एवं पक्की गली योजनाओं का किया उद्घाटन। जिला अतिथि गृह में एसडीओ, एडीएम एवं डीएसओ के तबादले के बाद विदाई समारोह का हुआ आयोजन, डीएम रहे मौजूद। जिला अतिथि गृह में भाजी युवा प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह के आगमन पर तैयारी को लेकर युवा मोर्चा ने की बैठक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27।